ये मैं उड़ाने लगा हूँ। लेकिन मुझे तो यार दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, वो बड़ी दूर पहुंचे हुए कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऊपर जाकर बंद हो चुके हैं। तो ठीक है जी, बड़ी प्यारी हड्डी जोड़ बिल्कुल परफेक्ट चीज है, तो इसको भी फेंकते ऊपर। ये टैडी कबूतर का शौक करें, टैडी कबूतर पाकिस्तान को पता ही होगा, पाकिस्तान वालों को टैडी कबूतर की पाकिस्तान में क्या वैल्यू और डिमांड है। पाकिस्तान ये यार दोस्तों, ये पिंजरा है, इसके अंदर हमने अच्छी अच्छी अपनी चीजें रखी हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साइड पर आकर। ठीक है, तो पहले उड़ाने वाले दिखाते हैं, जो उड़ाने हैं ये चेक करेंगे। माशाल्लाह वाइट आग, ठीक है जी, पंजे चेक करने, ठीक है जी, ये पंजे हड्डी पूरी गोल, ठीक है जी, इसके बाद पर चेक कर लें, ठीक है जी, इसकी दूम थोड़ी ख़राब हो गई, ये देखिए पूरी मोरो वाली दूम थी जब ये उड़ती थी ना, वो ये फीमेल है, ठीक है जी, तो ये उड़ाते हैं, दो को साथ निकले एक एक को उड़ाते हैं, ये मैं उड़ाने लगा हूँ, ठीक है जी। इसी के साथ ये चीज़ देख लें, प्योर ब्लैक, माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये देखिए पर चेक करें, ठीक है जी, प्योर वाइट ब्लैक कलर का भी निकला है, ये आँख चेक कर लें, पंजे चेक कर लें, मेहरून कलर के, हड्डी बहुत प्यारी है, इसको भी खेल सकते। मेरी दोस्तों इसके बाद मेरी सबसे फेवरेट चीज़ फीमेल है ये भी, लेकिन ये जीरा, जीरी कहते हैं इसको, ठीक है जी, आँख चेक करें, और यार परवाज में क्या परफेक्ट कबूतर है यार, बहुत मज़ा आता है इसको उड़ाने में, पर चेक करें, सबसे कम पर हलाती है उड़ते वक्त, पर देखें कितने लंबे हैं माशाल्लाह से, ठीक है जी, बड़ी प्यारी हड्डी जोड़ बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, तो इसको भी फेंकते ऊपर। ओके, मेरी दोस्तों ये भी अच्छी चीज़ है, ये सारों की नस्लें आप लोगों ने बतानी है, ये पर चेक करें, इसको भी उड़ाते हैं। ये सारे उड़ रहे हैं। अच्छा एक बात मेरी सुन ले, मेरे पास सिर्फ चार कबूतर ही हैं उड़ाने वाले, ठीक है जी, जो ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, ठीक है जी, तो चार चिजन भी हैं मेरे पास, वो मैंने उड़ा रहे हैं, बाकी ये वाले ना सिर्फ शौक के लिए, शौक कर बना, मैंने आप लोग को दिखाना है। सबसे पहले ये टैडी कबूतर का शौक करें, टैडी कबूतर पाकिस्तान को पता ही होगा, पाकिस्तान वालों को टैडी कबूतर की पाकिस्तान में क्या वैल्यू और डिमांड है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कबूतर है, ठीक है जी, ये चेक करें, आँख चेक करें, ये पर देखें, ठीक है जी, लेकिन ये उड़ाता नहीं हूँ मैं, इसको काटा हुआ बंद ही रखता हूँ अभी, क्योंकि ये पका नहीं है, नया नया है, इसको नीचे छोड़ दूँ, ठीक है जी। इधर मेरा ये किंग साइज का कबूतर, ये बड़ा प्यारा है यार, इसके बड़ी प्यारी प्रभाव है इसकी दोस्तों, ये इसकी आँख चेक करें, ये आँख चेक करें, पर चेक करें, लेकिन ये भी उड़ाने के लिए नहीं है, ये पंजे चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ हर चीज़ ओके, तो ये भी उड़ाने के लिए नहीं है, वो वैसे बाहर आ गया, ये एक वैसे में ले जी दोस्तों, ये चेक करें, ये गोल्डन कबूतर है, बड़ा ही प्यारा है यार, लेकिन ये पर काटे हुए इसके, तो क्योंकि ये भी यार भाग जाएगा पक्का नहीं है, ठीक है जी। एक मेरा जो कबूतर है बूढ़ा कबूतर, मैं आप लोग को दिखाना, बहुत अच्छी चीज़ है,
ये चेक करें, ये चेक करें क्या चीज़ है। नाक चेक करें, सबसे पहले इसका नाक चेक करें, फिर इसकी आँख की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये आँख की क्वालिटी चेक करें, ये इस टाइम बूढ़ा हो चुका है। तकरीबन इस कबूतर की जो एज है ना, तकरीबन 12-13 साल का कबूतर है ये। इस टाइम इतनी एज है इस कबूतर की, 12-13 साल पुराना कबूतर है और इस टाइम ये फुल बूढ़ा हो चुका है, ठीक है जी। तो इसके पर पूरे हैं, देख लें जी, पर पूरे हैं, लेकिन ये उड़ता नहीं है, ये अच्छे तरीके से उड़ता नहीं है। यहाँ से घूम फिर के वापस, इसलिए मैं इसको तंग में नहीं करता, क्योंकि यार बूढ़ा कबूतर है तो बेचारे के अंदर कितनी जान होगी। लेकिन ब्रीड अभी भी कर रहा है, तो ये जो काला कबूतर मैंने आपको दिखाया था ये ब्रीड इसी की थी, लेकिन ये इस पर गया नहीं है, अपनी माँ पर चला गया था। तो अब मैं इसके साथ कोई और फीमेल लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, इसकी एक बार ब्रीड मुझे चाहिए, ठीक है जी। तो इसको मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। ये सारे कबूतरों का मैंने आप लोग को शो करवा दिया, बैठे वो कबूतर आ गए किसी का बैठा, चेक कर वो देख, ये कबूतर किसी का अगर बैठा, अपने कबूतर सारे नीचे छोड़ते हैं, सारे कबूतर खोलते हैं जल्दी से, अपने कबूतरों को देखिए। कुछ ये जो बंद चीज़ें थी ये भी खास ही हैं, लेकिन वैसे मैंने बंद की हुई थी। पिजन सारे आ गए, इनको इनका दाना शाना और डाइट देते हैं ताकि वो कबूतर देखकर इनको इधर आए, ठीक है जी। यार ये कबूतर उड़ रहे हैं हमारे, ठीक है जी, ये नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। एक तो ये नीचे ही है, बाकी ये तीन ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं यार, अपने परिंदों को डाइट शाइट देते हैं, दूसरों को उनको देखते हैं। ये नीचे ही आएगी, ये नहीं जाएगी ऊपर, वो किधर गए, वो ये उड़ रहे हैं तीन जी। यार मैं सबसे पहले ना ये आ गया, देखें इसको पता चल गया, मैं थोड़ा सा पानी लगा कर ना इसको ठंडा करूँगा, क्योंकि पानी ठंडा है, ठंडा करके इनको दूंगा ताकि इनको मज़ा आए, गर्मी है ना। ये देखें अपनी जगह, इन्होंने खुद अपना केज इन्होंने छोड़ दिया है, इधर रहते हैं ये, लो मैं उधर रख देता हूँ, ये खुद ही खाते रहते हैं। जब ये यार केज में था ना, केज के अंदर इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, तो मैं भी यार इनको अब ओपन, ये इनका केज है, आप लोगों को पता ही होगा ये इनका केज है, ठीक है जी, ये इनका केज बना हुआ है। तो मैंने यार इनको आज़ादी दे दी, क्योंकि गर्मी की वजह से मर जाना था इन्होंने, इसलिए मैंने छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो इसलिए यार ये सारे पिजन देख लें हमारे माशाल्लाह से, ठीक है यार। अहमद भाई आपने कमेंट किया था ये सारे पिजन, ये देख लो, जो उड़ाने वाले थे वो मैंने उड़ा दिए हैं, ठीक है जी। तो ये देख लो ये सारे भाई, ये पिजन है हमारे, ठीक है जी। वो किधर गए, वो चढ़ गए आसमानों को, चले गए हैं, देखा। ये बहुत मेरी तीन चार चीज़ें हैं उड़ने वाली, लेकिन बहुत प्यारी हैं, वो गए गुम हो गए आसमानों में, ठीक है जी। तो अब अपनी मुर्गी को भी निकालता हूँ बाहर, चला जाओ, आ जाओ, शाबाश। नहीं जी, बहुत ही एक्टिव चूजे हैं यार, ये देखें कितने एक्टिव चूजे हैं यार, बहुत ही फास्ट हैं, इनकी माँ भी बहुत एक्टिव है, ये देखें लड़ने आती है, वो देखें अब भाग गए हैं, ठीक है जी, देख लें, बहुत ही एक्टिव चीज़ें हैं यार। जितनी भी चीज़ें रखी हैं अच्छी चीज़ें रखी हैं अल्लाह के फजल से, ठीक है जी। तो आप लोगों ने भी भाई को बस सपोर्ट करना और मज़ेदार अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। अब मेरा यार इधर प्लान बन रहा है मास्टर केज बनवाने का, तो एक बड़ा सारा मास्टर केज बनवाएंगे जिसमें बड़े परिंदे रखेंगे और बड़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो हमने बहुत कुछ करना है अभी, तो बस आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और भाई को सपोर्ट करो। इधर फाउंटेन वगैरह भी, वो सारा कुछ जितना कर सकूँगा वो दिखाऊँगा, ठीक है जी। तो बड़ा ही प्यारा करना है हमने अभी, तो बस चैनल के साथ रहना, मेरे साथ रहना, मेरी फैमिली बनकर रहना। मैंने आप लोगों के लिए भी ले जी यार, दोस्तों ये देख रहे हैं, ये साफ पानी और ये भीगी हुई रोटी, इनको मैंने फेंक दी है, वो फेंक दी सॉरी कह रहा हूँ, मैंने इनको डाल दी है, भीगी रोटी इनको मैंने डाल दी है, दाना मैं इनको फेंक दूँगा। ये दाने वाली बाल्टी मेरे पास पड़ी हुई है, आ जाओ यार दाना खा लो, ये बड़े शौक से दाना खाते हैं, दाना कम ही डालना, भीगी रोटी ज़्यादा खिलानी है, क्योंकि मैं यार जितनी गर्मी है भीगी रोटी ही प्रेफर करूँगा। ये दाना शाना ना खिलाएं, ये पोटा बंद कर देता है और मर जाते हैं ये, और इस तरह आपका कबूतर भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है और डाइट भी उसकी मुकम्मल और पेट भी उसका फुल होता है रोटी के साथ, ठीक है जी। तो ये देख लें जी, ये देखिए मैंने अपने सारे पिजन्स को रोटी पर लगाया, ये खाते भी हैं, ये देखिए खाएंगे, देख रहे हैं ये भीगी हुई रोटी पर लगाया हुआ, सारे खाते हैं, दाना वो पड़ा हुआ, जिसने दाना खाना दाना खा लेते हैं, जिसने रोटी खानी है रोटी खाते हैं, देख लें शौक से,
ठीक है जी। लेकिन मैं ज़्यादा रोटी ही डालता हूँ, जितनी ज़्यादा भूख होगी ये रोटी ही खाएंगे, ठीक है जी। ये खुद ब खुद रोटी खाते हैं, वो देख लें जी, वो भी आ रहे हैं, सारे आएंगे, ये देखें ये भी आ रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें रोटी सारी खाएंगे यार। इनको मैंने इनकी डाइट दे दी है कबूतरों को, ठीक है जी। जो दूसरे कबूतर हैं वो देखें जिस मानों में मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे तो यार दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो बड़ी दूर पहुँचे हुए हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर जाकर बंद हो चुके हैं, तो पता नहीं क्या अब नीचे कितनी देर तक आते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा उड़ाता नहीं, क्योंकि मुझे फिर बहुत टाइम तक इनका वेट करना पड़ता है। वो देखिए जी, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा उड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि इनको खाए पिए बिना उड़ाएँ। और उसके बाद अब मुझे नहीं पता इन्होंने कब वापस आना है। भाई की चीज़ें चेक करें, सीधा आसमानों में गई हैं और नज़र भी नहीं आ रही किधर गई है। अब ये वापस आ जाएंगे थोड़ी देर तक, ठीक है जी। जब वापस आते हैं तब तक वेट करते हैं इनका। बाकी सारे जानवरों को उनकी डाइट दे दो। हमारे पिजन है, पता नहीं आसमानों की कौन सी सुरंग में चले गए हैं, देख सकते हैं। अभी भी आसमान साफ है, कबूतर मिलने का नाम नहीं ले रहे, ये खुद ही नीचे आएंगे। वो बेचारों को धूप की वजह से 3-4 घंटों से हम वेट कर रहे हैं उनका, हम खुद भी अजियत में बैठे हुए हैं और ये दूसरे भी अजियत में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने अपने घर जाना है, इनको घर में बंद करने लगा। वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहे, उन्होंने पता नहीं क्या आसमानों में मिल गया, उनको नज़र तक नहीं आ रहे यार, इस तरह गुम हुए पड़े हैं। इनको बंद कर, क्योंकि गर्मी है यार, ये अपने घरों को बड़ी जल्दी जाते, देख रहे हैं वो खुद ही नीचे आ जाएंगे। ये दाना पानी उनका मौजूद है, भीगी हुई रोटी पड़ी है, खुद ही आकर खा लेंगे। और आज भी ये उड़ते ही गए, मुझे गुस्सा आ गया यार, मिल ही नहीं रहे। थोड़ी देर बाद आऊँगा, 2-3 घंटों बाद चक्कर लगाऊँगा, अगर नीचे आ गए तो उनको बंद करके चला जाऊँगा, नहीं तो फिर ये ज़रा वेट करें। वो पता ही नहीं, अब नज़र ही नहीं आ रहा यार, गए चले किधर है। लेकिन इतना कन्फर्म हूँ कि आएँगे इधर, इसी छत पर आएँगे, लेकिन वो बहुत टाइम लगाते हैं यार ये भाई के। 3 कबूतर बहुत ही यूनिक है उड़ने वाले, देखने अभी तक वापस नहीं आए, हम थक गए लेकिन वो नहीं थके। तो ये बड़ी अच्छी ब्रीड है भाई के पास। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो यार लाइक लाजमी करो, हमारे चैनल लव फॉर बर्ड्स को सब्सक्राइब करो इस तरह की मज़ेदार और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और आपकी फरमाइशों पर यार वीडियोस बनाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपकी फरमाइश होगी उस टॉपिक पर वीडियो भाई ज़रूर बनाएगा और आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करेगा। आपके कमेंट से होती है हमें बड़ी हौसला अफजाई, ठीक है जी। तो इसलिए आप लोग कमेंट्स किया करो, ठीक है जी। इससे थोड़ी हौसला अफजाई होता है बंदा और दिल खुश हो जाता है बंदा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता है, ठीक है जी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।